देखिए बच्चों की बातों से यही लगा कि इनको भड़म में डाल कर करके और लोग अपना टीआर बढ़ाने के लिए इस आंदोलन को और सरकार को बदनाम करने का खेल खेला। अभी बच्चे ही बता रहे थे कि 23 सितंबर को वैकेंसी निकली, 18 अक्टूबर तक डालने का अवसर मिला, फिर बच्चों के आग्रह पर और पर्व त्यौहार को देखते हुए 4 नवंबर तक इसको एक्सटेंशन दिया गया, एक्सटेंड किया गया जी सर। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई उसमें जिक्र नहीं है, चर्चा नहीं है, और उस विषय को डाल करके बच्चे को भ्रमित करके उत्तेजित करके ये दो खान और रहमान ये कोचिंग चलाने के नाम पर, ये पहले भी संदिग्ध स्वरूप में बच्चों के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं, ये घोर निंदनीय है। शिक्षक का जिम्मेवारी है बच्चों के भविष्य को बनाने का, न कि बिगाड़ने का, न कि अराजकता पैदा करने का। जैसा कि आपने अभी सुना, विजय सिन्हा ने कहा बच्चों से बात करने पर यह सामने आया कि उन्हें भ्रमित किया गया है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 6 दिसंबर को पटना की सड़कों पर जब छात्रों का गुस्सा उफान पर था, बीपीएससी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया जो धीरे धीरे हिंसक हो गया। पुलिस ने 3 बार लाठीचार्ज किया और मामला इतना बड़ा कि खान और रहमान सर भी छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतर आए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा बयान आया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का, जिन्होंने सीधे तौर पर खान और रहमान सर को निशाने पर लिया और कहा कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है ताकि सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। विजय सिन्हा का दावा है कि छात्रों के साथ संवाद करने पर पता चला कि नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं थी और ये सारा मामला महज भ्रम फैलाने का परिणाम है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चों के हित में ही तो हम लोग कर रहे हैं, आज जितनी बहाली नियुक्ति अभी निकलेगी ये किसके लिए है? जो लोग हम लोगों को आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया है और उन्होंने चेयरमैन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कल 5-6 बच्चे जाके मिलेंगे, इनकी बात को सुनेंगे, सरकार सजगता के साथ बच्चों के हित में काम करेगी। विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर खान और रहमान सर को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि ये दोनों पहले भी छात्रों को भड़काने और उपद्रव करने में शामिल रहे हैं। सिन्हा का मानना है कि इन कोचिंग सेंटरों के संचालकों ने अपने हित साधने के लिए छात्रों को भ्रमित किया और उन्हें सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है। वैसे नॉर्मलाइजेशन पर बवाल क्यों? अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस नॉर्मलाइजेशन की असल कहानी क्या है जिसे लेकर इतना विवाद हो रहा है। एग्जाम एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन तब लागू किया जाता है जब एक ही परीक्षा कई पार्ट में ली जाती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी छात्रों के लिए पॉइंट सिस्टम समान हो, क्योंकि अलग अलग पार्ट में परीक्षाओं के सवाल का स्तर अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर एक पार्ट में आसान प्रश्न पूछे गए हों और दूसरे पार्ट में कठिन, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इन दोनों पार्ट के छात्रों को नंबर को बराबर करने का काम करती है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी पार्ट हो, छात्रों को नंबर को एक समान तरीके से अंकित किया जाएगा ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पर उठ रहे इस विवाद ने बिहार में एक नई बहस छेड़ दी है। छात्रों के भविष्य और उनकी समस्याएं को हल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब राजनीति इस मामले में घुसती है तो छात्रों की आवाज कहीं खो जाती है। अब देखना यह है कि सरकार और विपक्ष इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं और छात्रों के भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।